बोलो भारत माता की। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, खुद के लिए तालियां बजाओ एक बार शानदार। मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, आज जैसे ही मैं सड़क से आया आपका यह दृश्य देखा, इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हुए, काफी लंबे समय से बैठे होंगे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आकर आपसे मिलकर, आपसे बात करके। ये महावीर शिक्षण संस्थान का कार्यक्रम, और इसमें मेरे साथ एक हमारे युवा विधायक जो 3 बार लगातार जीत चुके हैं, क्रिकेट में जिसको हैट्रिक बोलते हैं, और आगे भी जीतने की संभावना के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे निर्मल जी कुमावत, आपके स्कूल के डायरेक्टर जिन्होंने कभी आप ही की तरह शिक्षा ग्रहण करी होगी, उनके भी कानवान खींचे होंगे टीचर ने, क्यों भैया जी खींचे ना, बोल रहे हो बिल्कुल खींचे, कान सही समय खींचे, तब ये जाकर 2007 में इनका जो सपना था एक स्कूल शुरू करने का वो शुरू करा, और आज इतने लंबे समय, इतने सालों तक शानदार स्कूल है, आप जैसे कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होके जा रहे हैं, ऐसे भीवा जी मेरे साथ यहाँ पे बहुत मौजूद हैं। अब बारी आती है उस व्यक्ति की जिससे मैं तो जब स्कूल में था मुझे बहुत डर लगता था, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से अगर बुलावा आता था यानी आज शामत आ गई, ऐसा होता है क्या यहां पे भी? तो राम गोपाल जी प्रिंसिपल, आप हिंदी के प्रिंसिपल, हिंदी मीडियम के प्रिंसिपल, फिर दूसरे प्रिंसिपल, मतलब एक प्रिंसिपल से कमी नहीं थी तो दो दो प्रिंसिपल घुसा दिए, दूसरे धर्मपाल जी, वो स्कूल में होता था कि राज्यवर्धन अगर क्लास में नहीं है तो प्रिंसिपल के दफ्तर के सामने खड़ा हुआ होगा। अभिनय शारदा जी हमारे कार्यकर्ता के कुछ नाम मैं बोल रहा हूँ, गोपाल जी अजमेरा हमारे मंडल अध्यक्ष, सीताराम जी बंसीवाल, गौरी शंकर जी, लक्ष्मीकांत जी, नटवरलाल जी, कमल जी, पूरन जी रनवा हमारे सीकर के साथी, आज मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखो क्लास में जैसे मॉनिटर होता है, स्कूल में प्रीफेक्ट होता है, वैसे ही देश में जो पार्टियां होती हैं उन्हें भी बनाने पड़ते हैं, जो जो मैंने नाम करे मंडल अध्यक्ष वही काम करते हैं जो मॉनिटर क्लास में करते हैं, डिसिप्लिन बना के रखना, कुछ काम दिया हो उसको नीचे तक पहुंचाना, इस तरह का काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रैनवाल के रहने वाले, आसपास क्षेत्र के रहने वाले सभी समाज के प्रमुख जन यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे आपकी फैकल्टी टीचर्स भी मौजूद हैं, टीचर्स एक बार हाथ खड़ा करिएगा, पूरा का पूरा आपका टीचर्स बैठे हैं। आपको मैं बताता हूं कि मेरी माँ भी टीचर थी, वैसे तो हर माँ टीचर होती है, लेकिन मेरी माँ भी आप ही की तरह स्कूल में पढ़ाती थी, और यहाँ पे बहुत सारे मेरे युवा साथी मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए, आपसे बात करने के लिए। जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ आपसे बात करता हूँ तो मुझे अनंत संभावनाएं नजर आती हैं आप सब में, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है आप सब, लेकिन अपने मन में विश्वास रखने की बहुत जरूरत होती है। एक आपका जो ये समय है, ये जो समय है ये टोटली आपका है, इस समय में आपको कोई पूछता नहीं है, कोई आपको यह नहीं कहता कि क्या जॉब कर रहे हो, क्या कमा रहे हो, घर चलाना है, ये टोटल समय आपके पास है, और इस समय को अगर आप इस्तेमाल करोगे अपने लिए तो आप बहुत मजबूत बन जाओगे। अच्छा ये बताओ स्ट्रांग कौन कौन बनना चाहता है? सब बनना चाहते हैं, ओके। अब स्ट्रांग या तो फिजिकली बनोगे या मेंटली बनोगे या दोनों तरह से बन सकते हो, दोनों तरह से बन सकते हो। स्ट्रांग बनने के लिए कुछ काम करना पड़ता है,
वो काम करने के लिए तैयार हो, तो अपना समय तय करना पड़ता है, कर लो कि मुझे अपना समय कैसे इस्तेमाल करना है। मैं जब आपके साथ आपके एज में स्कूल में था तो मैं सबसे लास्ट बेंच पे बैठता था। कौन कौन है लास्ट बेंच पे बैठने वाले? पूरा स्कूल ही पीछे बैठता है क्या? चलो ये मान लेता हूं मैं दिल से लास्ट बेंच वाले हो सारे के सारे। और लास्ट बेंच वालों का क्या मतलब होता है? चलो मैं लास्ट बेंच वाला था तो मैं बता देता हूं, आधा समय तो ध्यान टीचर के ऊपर होता था, आधा समय कहीं और ही होता था, यही होता है ना। अच्छा एक दिन क्या हुआ कि शायद 8th या 9th की बात थी कि मैंने एक दिन निर्णय करा कि बहुत हो गया, कि जब कोई सवाल पूछे तो जवाब आता ही नहीं। सवाल का जवाब तो तब आएगा ना जब पता चले कि विषय क्या है क्लास में। तो एक दिन मैंने तय कर लिया ये बहुत हो गया। मैंने जब सुबह आया अपना बस्ता लिया और सबसे आगे वाली बेंच पे जाके बैठ गया। सबसे पहले तो आगे वाली बेंचों में हलचल बन गई, या तो मैं बैठती हूँ या तो मैं बैठता हूँ। मैं कहा अब मैं बैठ रहा हूँ, है ना, बैक बेंच वाले अब फ्रंट बेंच पे आ गए, अब चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा ही होता है ना। और बैक बेंच वालों में हलचल मच गई, यार तू हमें छोड़ के कहाँ चला गया? वो यारी दोस्ती होती ना वो ऐसे समय में होती है, तू हमें छोड़ के कहाँ चला गया? ऐसे समय में नहीं होती कि आ जाओ पढ़ लेते हैं दोनों साथ बैठ के पढ़ लेते हैं। यारी दोस्ती ऐसे होते हैं हमें छोड़ के चला गया। उस दिन इतना शानदार एक चीज हुई कि फ्रंट बेंच पे बैठने से ही सारी चीजें समझ में आ गई। मतलब ये बेंच पे गड़बड़ है, ये हमारे में कोई गड़बड़ नहीं, ये आपके डायरेक्टर और प्रिंसिपल से बोलता हूं बेंच ऐसी लगाओ जो फ्रंट बेंच ही हो। फ्रंट बेंच पे बैठ के टीचर जो बोल रही है वो सुनना ही पड़ता है, सुनना पड़ता है, तो आधा तो वहीं चला जाता है अंदर, आधा एक दो पन्ना खोलो तो आ जाता है समझ में। तो ऐसा एक दिन हुआ। तो उस दिन से फिर जब कभी कोई सवाल पूछता था तो जवाब देने की हालत में रहता था। उस दिन मैंने एक चीज सीखी कि इस दुनिया में आपके मां बाप तो हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर में और हैं, वो सब आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस जीवन में आपकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो केवल आप ही खुद की मदद कर सकते हो और कोई नहीं है। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर मजबूत बनना है तो कोई दूसरा आके मजबूत नहीं बनाने वाला, समझ रहे हो ना। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं मजबूत बनना चाहता हूं और मैं मजबूत बनने के लिए ठेका देता हूं इन चार लोगों को, ऐसा नहीं होता। हाँ ये जरूर होता है जैसे बैक बेंच वाले अक्सर करते हैं कि इम्तिहान के लिए तैयारी तो करते नहीं है, लास्ट दिन किसी बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, यार तू मेरे को सुना दे एक बार कहानी सुना दे फिर मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर जीवन में कुछ करना है तो उसको खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो यह तय आपको करना है कि आप किस दिशा में मजबूत बनना चाहते हो। और वो जरूरी नहीं है कि आपको अभी पता चल जाए कि क्या दिशा होनी चाहिए। आपको कई बार होता होगा कि घर में पेरेंट्स बोलते होंगे अंकल को बताओ क्या बनना चाहते हो, क्या बनोगे आगे जीवन में? अरे अभी नहीं पता कि क्या बनेंगे जीवन में तो क्या बताएं, तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको कभी ना कभी पता चलेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, और हो सकता है 3-4 चीजें पता चल जाए कि ये भी करना चाहती हूं, ये भी करना चाहती हूं, ये भी करना चाहता हूं, नो प्रॉब्लम। उन सब चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करना शुरू करो, स्टार्ट फाइंडिंग आउट समथिंग। मैं सबसे पहला कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, मैं तो बैक बेंचर हूं ना, पढ़ाई वढ़ाई में कम ध्यान रहता था, लेकिन सबसे पहला कॉम्पिटिशन में कैसे जीता सुनना चाहते हो? इंडिया में उस समय कोच वगैरह बहुत कम होते थे और शूटिंग में बहुत कम होते थे, तो मैंने देखा कि पूरी अंतरराष्ट्रीय जगत में सारे देशों में सबसे बड़े बड़े चैंपियन कौन है,
और उन चैंपियंस के फिर मैं इंटरव्यू छपते हैं, इंटरव्यू उनके इंटरव्यू मैंने पढ़ने शुरू करे कि वो चैंपियन कैसे बने, वो क्या करते हैं चैंपियन बनने के लिए, और वो जो चीज करते हैं वो मैंने करना शुरू करा। तो एक दिन 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड में जो मुकाबला हुआ उसमें नंबर टू या नंबर थ्री जो आया वो उस समय का गोल्ड मेडलिस्ट था, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, और उसको मैंने हराया। तो वो आया, उसने मुझे बधाई दी, मैं पहली बार एक पदक जीता था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, उसने मुझे बधाई दी। मैंने उसको कहा थैंक यू आपको, क्योंकि आपसे ही सीख के मैंने आपको हराया है। तो उसने बोला ऐसे कैसे, मैंने कहा आपके इंटरव्यूज मैंने देखे, आपके इंटरव्यूज मैंने पढ़े, और जो आप करते थे वही मैंने करना शुरू कर दिया, तो मैंने आपको इस तरह से हराया। तो नॉलेज हर चीज के लिए, चाहे खेल हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज के लिए नॉलेज की जरूरत है। और नॉलेज जरूरी नहीं है कि सिर्फ किताब में ही हो, नॉलेज होती है वातावरण में। कहां होती है? हमारे चारों तरफ नॉलेज होती है। सिर्फ नॉलेज को पकड़ने के लिए एंटीना खुला हुआ होना चाहिए। क्या खुला हुआ होना चाहिए? दिमाग की खिड़कियां खुली होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए? खुली भी होनी चाहिए। एक ही चीज है आपको, जो भी आप जीवन में बनना चाहते हो, आप डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, कुछ भी आप बनना चाहते हो, एक ही सीक्रेट है। वो सीक्रेट है कि पेट में एक आग होनी चाहिए वो करने की। देयर हैज टू बी अ फायर इन द बेली कि मुझे तो ये करना ही है। अगर एक्टर बनना है तो दबा के एक्टिंग करनी शुरू कर दो और जो है उसकी नकल बनानी शुरू कर दो कि मुझे तो एक्टर बनना ही है। अगर टीचर बनना है तो उस तरह से नॉलेज हासिल करनी शुरू करो। जो करना चाहते हो आपके एक पेट में आग होनी चाहिए करने की। आज जिम का उद्घाटन है आपके स्कूल के अंदर, ऐसे मैंने पूरे लोकसभा क्षेत्र में 17 जिम ऐसे बनाए हैं पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र में, और इन सब का पैसा हम सरकार से नहीं लेकर आए, ये बहुत अच्छी बात है। समाज में हमारे ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले खुद को मजबूत करते हैं, जैसे आप सब अपने आप को पहले मजबूत करोगे। आप अपने आप को शरीर से मजबूत करोगे, आप अपने आप को दिमाग से मजबूत करोगे, और उसके बाद आप अपने आप को फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से मजबूत करोगे अपने जीवन के अंदर, ताकि आप अपने पांव पे खड़े हो और फिर सब आपका सम्मान करेंगे। तो वो स्थिति जब पहुंच जाती है, जब आप अपने आप को मजबूत कर लेते हो, फिर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। ऐसे लोगों से मैं तकरीबन 12 करोड़ रुपए लेकर आया और ऐसे 17 मैंने जिम्स चारों तरफ वहां पे बनाए। अभी एक मिनी स्टेडियम का भी हमने उद्घाटन करा यहां रेनवाल के अंदर ही, खेलने की व्यवस्था है, पूरे बैठने की व्यवस्था है, ताकि एक टूर्नामेंट कर सको, कुछ मुकाबले कर सको, उसको इस्तेमाल करो। ऐसे मिनी स्टेडियम हमने पूरे लोकसभा के अंदर 17 बनाए हैं, ताकि पूरे लोकसभा के अंदर हर जगह आपकी तरह जो नौजवान है वो उसको इस्तेमाल कर सके। इनका इस्तेमाल अच्छी तरह से हो, ये बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आप कहीं से पैसा इकट्ठा करके लाओ और वो आपकी नजरों के सामने धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाए। खराब वो तब होता है जब उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो पूरन जी ने जो कहा, और आपसे भी मेरा आग्रह है कि इसको, और आपने कहा भी मेरी बातचीत में कि इसको अच्छा इस्तेमाल करेंगे, आप यहां पर एक कोच भी रखेंगे जो फिटनेस की ट्रेनिंग देगा, और आप सब और बाकी सब लोग इसका अच्छी तरह इस्तेमाल करके अपने शरीर को भी मजबूत कर सकते हैं और अपने आप को और स्वस्थ कर सकते हैं। 16 साल की उम्र में मैं सेना में चला गया था और उसके बाद 27 साल मैं भारत की सेना में रहा, और वहां पे जीवन में मैंने जो कुछ भी सीखा है वो भारत की सेना ने मुझे सिखाया है। और भारत की सेना एक ही वर्दी पहनती है। ये पुलिस वाले देख रहे हो, ये पुलिस वाले और भारत की सेना वाले एक ही वर्दी पहनते हैं,
क्योंकि इनकी कोई अलग अलग जात नहीं होती, ये एक होते हैं, ये भारत के रक्षक होते हैं, इसलिए एक वर्दी पहनते हैं। तो आप सब भारत के रक्षक बनिए, भारत आपसे है, आप भारत के नहीं, भारत आपसे है। एक एक के दिल में भारत बसता है तब भारत मजबूत होता है, और मुझे यकीन है कि आने वाली पीढ़ी भारत को और मजबूत बनाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय।